टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं वो है हमारा डिज़ास्टर्स। डिज़ास्टर्स सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डिज़ास्टर्स होते क्या हैं, व्हाट आर डिज़ास्टर्स। तो डिज़ास्टर्स आर द सडन क्लैमिटियस एंड इवेंट्स दैट सीरियसली डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी और द सोसाइटी एंड इट कॉजेज ह्यूमन मटीरियल एंड इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉस। अब सडन हम लोग जानते हैं सडन क्या होता है, सडन जो अचानक होता है दैट इज़ अ डिज़ास्टर। एंड क्लैमिटियस मीन्स समथिंग दैट इफ़ेक्ट्स योर लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है और ये हमारी कम्युनिटी की, सोसाइटी की और एनवायरनमेंट को डिस्ट्रप्ट करता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस का लॉस हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ मटीरियल, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। मींस किसी की जान भी जा सकती है, आपका नुकसान हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एनवायरनमेंटल लॉस ऑल्सो। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज डिज़ास्टर। एंड डिज़ास्टर जो होते हैं मेनली दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन वी कॉल देम एज नेचुरल डिज़ास्टर एंड सेकेंड इज़ मैन मेड डिज़ास्टर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स कौन से होते हैं या क्या होते हैं। सो नेचुरल डिज़ास्टर्स मेनली वो होते हैं जिसमें नेचर का हाथ होता है और ह्यूमन बींग्स का डायरेक्टली इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं मेनली वो ये सारे होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, फ्लड्स, ड्राउट्स, साइक्लोन्स, सुनामी, देन वी हैव इज वाइल्ड फायर्स एंड लैंडस्लाइड्स। अब ये सारे होते क्या हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं एक एक करके, ताकि क्लियर हो जाए हमें कि नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, व्हाट कैन बी द मिटिगेशंस फॉर कंट्रोलिंग दिस। सो द फर्स्ट इज़ अर्थक्वेक। जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, अर्थ यानी धरती और क्वेक मतलब हिलना। सो अर्थक्वेक को हम क्वेक भी कहते हैं और अर्थक्वेक को हम ट्रेमर भी कहते हैं। ट्रेमर मीन्स कांपना। सो बेसिकली अर्थक्वेक वो होता है जहाँ पर आपकी धरती हिलती है सडनली और उसकी वजह से एक एनर्जी रिलीज़ होती है, जिससे कि हमारा जो अर्थ का लिथोस्फेयर है वो हमारी सेस्मिक वेव्स बनाता है और जिससे कि हमारे अर्थ पे एक झटका आता है। अर्थक्वेक आगे बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ योर टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होता है? टेक्टोनिक अर्थक्वेक ये होता है जब हमारी अर्थ के नीचे जो प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेमर या फ्रिक्शन अर्थ पे जाता है और हमारा जो अर्थ है वो बेसिकली टूट जाता है। देर इज़ अ ब्रेकेज और वी कैन से अ क्रैक। जब धरती, कई बार हम कहते हैं कि अरे अर्थक्वेक की वजह से धरती फट गई, तो बेसिकली वो अर्थक्वेक जो होता है उसे हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ अर्थक्वेक वी हैव इज़ वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक वो होता है जिसमें अर्थक्वेक मेनली उस जगह पे होता है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस होते हैं और जिसके कारण से हमारे वॉल्केनो इरप्शंस हो जाते हैं, तो इसलिए हम उन्हें वॉल्केनिक इरप्शंस या वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट अर्थक्वेक है कोलैप्स अर्थक्वेक। बेसिकली ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं होते हैं, कंपैरेटिवली छोटे टेक्टोनिक और वॉल्केनिक अर्थक्वेक के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं और मेनली ये उस जगह होते हैं जहाँ पर अक्सर माइनिंग्स वगैरह होती हैं, जहाँ धरती हिल जाती है, उसका इम्बैलेंस हो जाता है, वहाँ पर उस हिलने की वजह से, माइनिंग की वजह से, धरती कमज़ोर होने की वजह से स्मॉल लेवल के ऊपर अर्थक्वेक आ जाता है। नेक्स्ट काइंड ऑफ अर्थक्वेक इज़ योर एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक क्या होता है? बेसिकली आजकल बहुत सारी कंट्रीज ज़मीन पर और पानी में न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करती हैं। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया है अपना इन द पैसिफिक ओशन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से वो धरती हिल जाती है और उस हिलने की वजह से वो ट्रेमर पैदा करती है अर्थक्वेक में, जो कि या तो वाटर पे आएगा या आपका लैंड के ऊपर आएगा। तो उस केस में हम उन्हें कहते हैं एक्सप्लोशन अर्थक्वेक्स।
देन द नेक्स्ट वन व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट द मिटिगेशंस. अब मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब है प्रिवेंटिव मेजर्स. हम क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं उनको रोकने के लिए, क्योंकि नॉर्मली नेचुरल अर्थक्वेक्स और नेचुरल डिजास्टर्स वो होते हैं जिनको पहले से रोक पाना हमारे हाथ में नहीं होता, बट स्टिल हम कुछ मेजर्स ले सकते हैं जिनसे हम उन्हें रोक तो नहीं सकते लेकिन उनका आफ्टर इफेक्ट थोड़ा कम कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ योर स्ट्रक्चरल मिटिगेशन. स्ट्रक्चरल मीन्स हम किस तरह के बिल्डिंग्स बना सकते हैं या ऐसा क्या स्ट्रक्चरली एफर्ट्स ले सकते हैं जिससे की वजह से हम उसे रोक सकें. द फर्स्ट इज़ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स. अगर हम ऐसे बिल्डिंग्स बनाते हैं जो कि हमारे अर्थक्वेक्स को सह सके, तो इन दैट केस द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी और लाइफ कम होगा. फॉर एग्जांपल इन जापान यूजुअली इट्स बिलीव्ड वहाँ पे हर रोज़ 2-3 अर्थक्वेक्स छोटे आते रहते हैं. इन एन एवरेज साल में 10-12 बड़े अर्थक्वेक्स पे आते हैं, बट फिर भी बिल्डिंग्स गिरती नहीं हैं बिकॉज दे आर मेड ऑफ you know, resistant. They are earthquake resistant buildings. Next is the we have to analyze the soil type. अगर आप अपनी इस तरह की soil में घर बनाते हैं जो कि easily बह सकता है या ढह सकता है at the time of earthquake, in that case then it is a problem. The second type is non-structural, means it is not in a form of a building but other measures that we can do. First is your pre-event measures, means earthquake आने से पहले हम क्या measures ले सकते हैं ताकि हम उसके loss को, उसके effect को कम कर सकें. The first one mentioned is pursue predictions. Predictions means warnings issued by your meteorological departments or other departments, जो कि आपको पहले से predict करता है, warn करता है कि हाँ इस समय earthquake आ सकता है. During event measures means जब earthquake आ रहा है तब आप क्या करेंगे, उस समय में आप क्या करेंगे. Very important education and training. अक्सर ये कहा जाता है कि जब अर्थक्वेक आए तो आप भागे मत, भगदड़ मत मचाइए, घबराइए नहीं, बल्कि उस समय अपने आप को किसी सुरक्षित जगह के नीचे, जैसे टेबल के नीचे या कहीं पे छुपने की कोशिश कीजिए, या बिल्कुल दीवार के साथ लग के खड़े हो जाइए ताकि अगर बाय चांस इन एनी केस अगर आपका बिल्डिंग गिर जाती है सो यू डोंट हैव अ लॉस. द लास्ट इज़ योर पोस्ट इवेंट मेजर्स. पोस्ट इवेंट मेजर्स हो सकते हैं टाइमली रेस्क्यू. अगर अर्थक्वेक आ ही गया, अगर कोई बिल्डिंग गिर गई या कोई फंस गया तो उसको टाइमली बचाया जा सके ताकि और लाइफ का लॉस ना हो पाए. एंड द लास्ट बीइंग लाइक टाइमली रिहैबिलिटेशन. अब जिनको बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है, उनको प्रॉपरली रिहैबिलिटेट किया जाए, उन्हें प्रॉपरली जगह पे रखा जाए, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए ताकि उनको आगे प्रॉब्लम ना हो. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉल्केनोज नेक्स्ट. वॉल्केनो क्या होते हैं? वॉल्केनोज आर बेसिकली द रप्चर इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ दैट अलाउज हॉट लावा, volcanic ash and many gases to come from the magma chamber below the surface. अब जब धरती हमारी फट जाती है, rupture का मतलब होता है फटना, उसमें किसी तरह का छेद होना. जब हमारी धरती में किसी तरह का छेद हो जाता है और अंदर जो gases हैं वो बाहर निकल आती हैं, चाहे वो लावा की फॉर्म में हो या ash की फॉर्म में हो, ash means आपका राख, या आपका कहते हैं gases की फॉर्म में हो, तो उसे basically हम कहते हैं volcano. Volcano भी बहुत सारे तरह के होते हैं. There are different types of volcanoes. Let's talk about the first one, which is your composite volcano. Usually दुनिया में composite volcanoes ज़्यादा मिलते हैं. Composite volcanoes वो होते हैं जहाँ पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो its rupture बहुत layer कम होता है. इसका जो फ्लो होता है लावा का, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी नॉर्मल. जब ये एक्सप्लोड होते हैं तो सबसे पहले ऐश, धुआं, गैसेस निकलते हैं और मैग्मा बाद, मैग्मा मींस द लिक्विड लावा बाद में फ्लो होता है. एंड दिस इज़ अ एग्जांपल, आई मीन यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज़ माउंट फूजी इन जापान और आई थिंक ये पिछले ऑलमोस्ट 150 सालों से फटा नहीं है. एंड दिस इज़, यू कैन सी लॉट ऑफ आइस ओवर हियर.
द नेक्स्ट इज़ योर सिंडर कोन वॉल्केनोज. अगर हम देखें तो जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं उसका कोन शेप होता है, समवट लाइक दैट इसका शेप होता है कोन की तरह. एंड जब ये फटते हैं तो ये बहुत लाउड नॉइज़ करते हैं जो कि कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है. नेक्स्ट इज़ योर शील्ड वॉल्केनोज. शील्ड वॉल्केनोज अगर आप इसकी शेप देखेंगे, यहाँ पर एक तरह से शील्ड की तरह है, शील्ड यानी कि ढाल. तो इसका जो ऊपर का माउथ होता है वो बेसिकली शील्ड की तरह दिखता है अगर हम ऊपर से देखते हैं. इसमें जो लावा फ्लो लावा होता है वो बहुत पतला होता है और वो बहुत ईजिली बहुत दूर तक फैल जाता है, इसलिए हम इसे शील्ड वॉल्केनो, ये ईजिली फैल सकता है क्योंकि इसका मुंह बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसे शील्ड वॉल्केनो कहते हैं. नेक्स्ट टाइप का जो वॉल्केनो है उसे हम कहते हैं लावा डोम वॉल्केनो. ये जो वॉल्केनो होता है इसमें कोई एक फिक्स्ड आउटलेट नहीं होती जैसे बाकी वॉल्केनोज में होती हैं. यहाँ पर ये वॉल्केनो की दीवार तोड़कर कहीं से भी निकल सकता है. इसका जो लावा होता है वो बहुत थिक होता है और क्योंकि ये थिक होता है बहुत दूर तक जा नहीं पाता. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से ये बह रहा है, थिक है, यहीं पर ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, तो यहीं पर ये डोम्स मीन्स अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक दिस बना लेगा. तो इस वजह से इनकी कोई फिक्स आउटलेट नहीं है और ये जहाँ से इनका दिल करता है यहाँ से रप्चर हो गया, यहाँ से रप्चर हो गया, कहीं से भी इनके बॉडी उससे ये रप्चर हो सकते हैं. और नॉर्मली ये हीटअप रहते हैं, बहुत ठंडे नहीं होते क्योंकि ये कहीं से भी रप्चर हो सकते हैं, ये बहुत थिक होते हैं. द नेक्स्ट इज़ योर मिटिगेशन. अब इसके लिए हम क्या मिटिगेशन ले सकते हैं वॉल्केनोज को रोकने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट. पहले फर्स्ट स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, हाउसेज अवे फ्रॉम द वॉल्केनोज. नॉर्मली जो घर बनाए जाते हैं जो वॉल्केनोज के पास होते हैं उन्हें इतना दूर रखा जाता है कि अगर बाई चांस सडनली कोई वॉल्केनो रप्चर हो भी जाए तो आपके पास इतना टाइम हो कि आप उस जगह को इवैक्यूएट कर सकें. सेकेंड इज़ योर नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन. द फर्स्ट इज़ योर प्री इवेंट. फॉलो प्रेडिक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान रखिए क्योंकि हर जगह वॉल्केनोज पे साइंटिफिक रिसर्च होती है, उन पे आई रखी जाती है कि कब वो वॉल्केनो एक्टिव हो सकते हैं, तो आपको उन प्रेडिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा. स्टे अवे फ्रॉम द मेन वॉल्केनो. वॉल्केनो मेन वॉल्केनो रीजन के पास बिल्कुल पास नहीं जाना चाहिए और नहीं जाना दिया जाता भी है. कीप द मास्क रेडी. अगर बाई चांस आपको ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको मास्क हमेशा अपने पास पहले से हैंडी रखने चाहिए क्योंकि जब वॉल्केनो फटता है तो एशेज और लावा के साथ बहुत सारे डेंजरस गैसेस भी रिलीज़ होती हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं. सेकेंड इज़ योर ड्यूरिंग इवेंट मेजर्स. फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको ये रूट लेना है, इधर जाना है, तो आपको उन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप उस लावा की या उस वॉल्केनो की चपेट में आ सकते हैं. वियर फुल स्लीव शर्ट्स क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी गैसेस और एशेस होती हैं, राख, और वो राख कई बार बहुत गर्म भी हो सकती है, तो आपको फुल स्लीव शर्ट्स, पैंट्स और ग्लासेस पहनने पड़ेंगे ताकि आपकी बॉडी को कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट ना हो उन वॉल्केनोज से. Then we have is post event measures like same timely rescue. आपको timely निकाला जाए इससे पहले कि volcano वहाँ तक पहुँचे जहाँ आप हैं, और उसके बाद आपको timely rehabilitate किया जाए क्योंकि जब volcano फटेगा तो आप अपने घरों में easily जाके नहीं रह सकते. Usually volcano एक go में नहीं फटना, it ruptures in goes, different goes. तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, उसका इफ़ेक्ट टोटली फिनिश नहीं हो जाता, आपको कहीं पे प्रॉपरली जगह पे, सेफ जगह पे रिहैबिलिटेट करके रखा जाना चाहिए. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लड्स. फ्लड टेम्प्रेरी इनंडेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स मीन्स टेम्प्रेरली जो पानी है उसका जो लेवल है, अमाउंट है, वो अचानक से बढ़ जाता है एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा, उसे हम फ्लड कहते हैं. और आई थिंक इंडिया में हमारे फ्लड इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी कैन गेट इन इंडिया. बहुत फ्लड्स आते हैं इंडिया में, स्पेशली इन द नॉर्थ रीजन वी हैव लॉट ऑफ फ्लड्स. फ्लड्स आर अगैन ऑफ डिफरेंट टाइप्स. बहुत सारे तरह के फ्लड्स होते हैं.
like now we have different types of floods. So the first type is flash floods. फ्लैश फ्लड्स वो होते हैं जो अचानक से एकदम से विद इन सम मिनट्स आ जाते हैं. अगर मान लीजिए आपके कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो गया, सो दैट इज़ अ सडन फ्लड. वो एकदम से क्लाउड बर्स्ट हो गया और पूरा का पूरा पानी एक जगह पे गिर गया, जिसकी वजह से सारे पानी अचानक आ जाएगा एंड इट कैन जस्ट टेक अवे द हाउसेज एंड एवरीथिंग. पिक्चर दैट यू कैन सी हेयर लाइक यू नो सडनली एकदम से पानी आ गया जिसकी वजह से सारे रास्ते ब्लॉक हो गए. दिस इज़ अ पिक्चर बेसिकली फ्रॉम 2014 जो हमारा उत्तराखंड में आया था. दैट वॉज अ फ्लैश फ्लड जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे गॉट किल्ड. सो फ्लैश फ्लड इज़ द मोस्ट डेंजरस वन अमंग द फ्लड्स इन टर्म्स because it is all sudden, we are not prepared for it. The second type is coastal floods. जैसा कि आपको word से पता चल रहा है coast. Coastal floods mainly वो होते हैं जो आपके coastal areas like sea coast के पास आते हैं. So they happen in mostly the southern and side of India. Then the next one we have is urban floods. Urban as the way name suggests, urban means cities. अक्सर हमारी सिटीज़ में क्या होता है, वी डोंट हैव गुड ड्रेनेज सिस्टम्स एंड समथिंग, और अचानक अगर पानी भर जाए, इट कैन बी ड्यू टू एनी रीजंस, चाहे थोड़ा बारिश ज़्यादा हो गया हो उसकी वजह से है, या कहीं और से पानी आ गया है. आपकी सिटी में नहीं हुआ लेकिन कहीं और से पानी आ गया है, पानी भर गया है, तो उस केस में हम उसे अर्बन फ्लड्स कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज़ रिवर फ्लड्स और फ्लूवियल फ्लड्स. ये भी इंडिया में बहुत कॉमन है. जब हमारी बहुत ज़्यादा बारिश होने से या मे बी कहीं और से पानी आ गया रिवर्स के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में पानी आ गया रिवर्स में, लेवल बढ़ गया बिकॉज ऑफ द वाटर रेनफॉल इन नेपाल. क्योंकि बहुत सारी हमारी नदियाँ ऐसी हैं जो नेपाल से आती हैं, तो उनमें वाटर लेवल बढ़ गया, तो वो है हमारा रिवर फ्लड्स. और ये आगे जाके जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया से जाती हैं वहाँ वहाँ पर वो फ्लड होता चला जाता है, वो उस लैंड को अपने साथ लेती चली जाती हैं. द लास्ट इज़ पॉन्डिंग और प्लूवियल फ्लड्स. यूजुअली ये हमें सिटीज़ में या गांव में कहीं भी देखने को मिल सकता है. मान लीजिए अचानक बारिश हो गई और आपका आउटलेट्स नहीं है, पानी अचानक भर गया. सो दिस इज़ कॉल्ड पॉन्डिंग और प्लूवियल फ्लड. कई लोग इसे अर्बन फ्लड्स भी कहते हैं अगर ये सिटीज़ में आता है. लाइक फ्यू ईयर्स बैक मुंबई में अचानक बारिश हुई और विद इन वन डे इट रेन्ड, और इतनी बारिश हुई कि पूरी सिटी डूब गई एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे लॉस्ट देयर लाइफ. तो उस तरह के फ्लड्स को जो अचानक आ जाते हैं और वाटर लॉगिंग हो गया सारी जगह पे एंड देयर इज़ अ डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, तो उसे हम कहते हैं पॉन्डिंग ऑन प्लूवियल फ्लड. Now, what steps we can take? What mitigations we can take? क्योंकि अर्थक्वेक अचानक आते हैं, वॉल्केनो के फिर भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. फ्लड्स एक ऐसे हैं जिनके बारे में हम पहले से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, क्योंकि फ्लड्स के बारे में पहले पता चल जाता है कि वाटर लेवल बढ़ रहा है एंड ऑल दैट, एक्सेप्ट फ्लैश फ्लड्स क्योंकि वो अचानक आते हैं. सो वॉट वी कैन डू इज़ लाइक इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल मेजर्स, एम्बाकमेंट्स. कई रिवर्स ऐसी हैं जो अक्सर जिसमें फ्लड आता है उस केस में गवर्नमेंट और जितनी पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं वो वहाँ पर एम्बाकमेंट्स बनाती हैं. एम्बाकमेंट्स मीन्स नदी का बहाव रोकने के लिए वहाँ पर अ काइंड ऑफ स्टॉपेजेस बनाती हैं. इवन इन द कोस्टल एरियाज़ रोकने के लिए एम्बाकमेंट्स बनाई जाती हैं ताकि वो पानी इतनी स्पीड से ना आए सिटी के अंदर या उस एरिया के अंदर. सेकेंड इज़ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स. हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक मैनी प्लेसेस टू कंट्रोल दी फ्लड, वहाँ पर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, लाइक दे मेक डैम्स एंड ऑल दैट, ताकि उस पानी को कंट्रोल किया जा सके. एंड नेक्स्ट इज़ योर नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशंस लाइक प्री इवेंट मेजर्स, फोकास्टिंग. जैसे मैंने कहा कि फ्लड्स के बारे में हम फोकास्ट कर सकते हैं कि हाँ फ्लड आ सकता है या नदी का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ योर ड्यूरिंग इवेंट मेजर्स प्रिपेयर्डनेस, तैयार रहिए.
अगर लेवल बढ़ रहा है, आपको कभी भी वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए कहा जा सकता है, तो आप अपने सामान लेकर आप तैयार रहिए. देन वी हैव इस पोस्ट इवेंट मेजर्स, टाइमली रेस्क्यू. अगर फ्लड आ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, आपको टाइमली वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, या इंडिया में NDRF है हमारा जो रेस्क्यू करता है, आर्मी, एयरफोर्स, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दे कम टू रेस्क्यू. टाइमली रिहैबिलिटेशन, अगर फ्लड आ गया आपके घर पे, आपके विलेज में, तो आपको कहाँ पर रिहैबिलिटेट किया जाएगा, कहाँ पर आपको रखा जाएगा, कितने टाइम के लिए, क्या मेजर्स होंगे, वो सब कुछ बाद में आते हैं आफ्टर योर रेस्क्यू. द नेक्स्ट वी हैव इज ड्राउट. ड्राउट मीन्स, मैनी पीपल कॉल ड्राउट एज फेमाइन ऑल्सो, यानी कि सूखा. और ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एबनॉर्मेलिटी, नॉर्मली बिकॉज ऑफ द लो रेनफॉल और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लीडिंग टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर. प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय तक जब आपका वाटर लेवल, रेनफॉल नहीं होता, या आपके पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इस वजह से जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है और वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है पानी की, उसे हम ड्राउट कहते हैं. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यूजुअली साउथ इंडिया वी हैव ड्राउट. नॉर्मली महाराष्ट्र, बस्तर रीजन, इसमें बहुत ज़्यादा ड्राउट रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स नहीं हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राउट्स. ड्राउट्स भी बहुत सारे तरह के होते हैं. लाइक वी हैव इज मेट्रोलॉजिकल ड्राउट. मेट्रोलॉजिकल मीन्स मौसम, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मीन्स मौसम विभाग. सो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट वो होता है जिसमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अनाउंस करता है कि इस साल जो हमारा रेनफॉल है वो कम रहने वाला है, इट विल बी बिलो एवरेज. सो उस केस में उस तरह के ड्राउट को हम मेट्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्राउट इज एग्रीकल्चरल ड्राउट. एग्रीकल्चरल ड्राउट मीन्स ड्राउट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. जब इस तरह का सूखा होता है, जब पानी कम हो जाएगा आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए, अगर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपकी सारी क्रॉप्स सूख रही हैं, जब आपके पास इतना पानी नहीं है, क्योंकि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर कंट्री और अराउंड स्टिल 60% ऑफ द एग्रीकल्चर जो है अभी भी इंडिया में वो रेन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर बारिश नहीं होगी प्रॉपरली तो आपको एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं होगा, आपकी सारी क्रॉप्स सूख जाएंगी. तो उस तरह के ड्राउट को हम एग्रीकल्चरल ड्राउट कहते हैं. देन वी हैव इज हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट. हाइड्रोलॉजिकल मीन्स बारिश नहीं हुई, आपका जो वाटर लेवल है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़, ये आपका नॉर्मल वाटर लेवल है, लेकिन बारिश ना होने की वजह से ये वाटर लेवल नीचे चला गया, आपकी इतना लो चला गया कि जिसको आप निकाल पाना मुश्किल है. या अगर हम कहें रिवर्स में हमारा एक नॉर्मल लेवल होता है, बट बिकॉज देर इज़ नो रेनफॉल, नथिंग, वो वाटर लेवल नीचे चला जाता है. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इज हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट्स. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्राउट दैट वी हैव इज सोशो इकोनॉमिकल ड्राउट. सोशो इकोनॉमिकल ड्राउट मेनली डिपेंडेंट होता है पॉपुलेशन के ऊपर. मीन्स देर आर सम एरियाज विच आर हाईली पॉपुलेटेड और वहाँ पे वाटर सोर्स हमारा लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड वाटर सोर्स के ऊपर पॉपुलेशन पर पर्सन बहुत ज़्यादा है. इन दैट केस पानी की कमी हो जाती है, देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो इस तरह के ड्राउट को हम सोशो इकोनॉमिक ड्राउट बोलते हैं. मिटिगेशन ड्राउट एक ऐसी चीज़ है जो कि शॉर्ट नोटिस पे नहीं होती, जस्ट लाइक योर रेनफॉल और समथिंग. ड्राउट एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में होता है, और इसके लिए जो कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स हम कर सकते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, लाइक कैनाल्स, डैम्स, रिजर्वॉयर्स. डैम्स बनाकर हम रेनी सीजन में, जिस समय हमारे पास बहुत पानी होता है, हम उस पानी को स्टोर कर सकते हैं डैम्स और रिजर्वायर्स के अंदर. कैनाल्स बना के वाटर सप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर काइंड ऑफ अ ड्राउट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज जो गवर्नमेंट एनकरेज करती है, दैट इज़ योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग.
यानी कि बारिशों के सीज़न में हम उस पानी को स्टोर कर सकते हैं और उस पानी को फर्दर अपने कुछ घर के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि बाकी पानी पीने के लिए बच जाए. नेक्स्ट इज़ योर नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशंस लाइक ड्राउट मॉनिटरिंग. बहुत सारी एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की जो कि ड्राउट मॉनिटरिंग करती हैं कि अगर बारिश होगी तो इतना कम होगा, तो कितना ड्राउट हो सकता है, क्या है. देन वी हैव इज़ लाइवलीहुड प्रिपरेशंस. अगर ड्राउट हो तो हमें किस तरह से सर्वाइव करना है, क्या हम कर सकते हैं अपने लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर क्रॉप इंश्योरेंस. आजकल गवर्नमेंट सब लोगों को, किसानों को अपने क्रॉप्स को इंश्योर करने के लिए कहती है, ताकि अगर बाय चांस किसी तरह का ड्राउट हो जाता है तो गवर्नमेंट उसके लिए आपको कंपनसेशन पे कर सके. एंड दैट इज़ एट अ वेरी वेरी रीजनेबल, वेरी नॉमिनल प्राइस. देन द अदर काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर वी हैव इज़ साइक्लोन. साइक्लोन होता क्या है? इट इज़ बेसिकली अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर. मेनली साइक्लोन एक हवा का बवंडर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, होता है, जो कि रोटेट करता है स्ट्रॉन्ग सेंटर के ऊपर, मेनली जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है. और साइक्लोन को और भी बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, लाइक टाइफून. जापान एंड ईस्ट एशिया में उसे टाइफून भी कहते हैं, कुछ कंट्रीज़ में उसे टक्सीडो भी कहते हैं, कुछ कंट्रीज़ में उसे हरिकेन भी कहते हैं. सो एक ही चीज़ है बट अलग अलग नाम है साइक्लोन. देन वी हैव इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स. बहुत सारे तरह के साइक्लोन्स होते हैं. द फर्स्ट इज़ योर ट्रॉपिकल साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन वो होता है जो मेनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास होता है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल, एज द नेम सेज, ट्रॉपिकल साइक्लोन. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ साइक्लोन इज़ मीसो साइक्लोन. ये मेनली एक हवा का बहुत बड़ा बवंडर होता है, जो कि बहुत हाई स्पीड से आता है और अपने रास्ते में जो कुछ आता है, वेदर इट इज़ अ हाउस, बिल्डिंग, एनीथिंग, वो उसको अपने साथ उड़ा कर ले जाता है. दैट इज़ कॉल्ड मीसो साइक्लोन. देन वी हैव इज़ पोलर और आर्कटिक साइक्लोन. जैसा कि नाम बता रहा है, पोलर एरियाज़ और आर्कटिक रीजन, जो अर्थ का हमारा आर्कटिक सर्कल है, या ऐसे जगहें जो पोलर रीजन्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास पड़ती हैं, मेनली वहाँ पर जो साइक्लोन्स आते हैं उनको हम कहते हैं पोलर और आर्कटिक साइक्लोन्स. ये हवा से ज़्यादा बर्फ़ के होते हैं, बिकॉज द टेम्परेचर देयर इज़ वेरी लो, सो दे आर कॉल्ड पोलर और आर्कटिक साइक्लोन्स. यहाँ पर साइक्लोन से के लिए हम क्या मिटिगेशन स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं? इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल, हम ऐसे बिल्डिंग्स पर जा सकते हैं जो कि साइक्लोन रेजिस्टेंट हों और जिनके टूटने पे ज़्यादा नुकसान भी ना हो. देन वी कैन हैव सम इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स अगेंस्ट द विंड. हवा को रोकने के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. एंड इन केस ऑफ कोस्टल रीजन्स, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, हम वहाँ पे कोस्टल बेल्ट प्लांटेशन कर सकते हैं. मतलब हम अपनी कोस्ट के ऊपर बहुत सारे ट्रीज उगा सकते हैं, जिससे कि उस विंड को, उस विंड के इफ़ेक्ट को रोका जा सके. देन वी हैव इज नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर फोकास्टिंग. फोकास्ट, ध्यान दीजिए कब आने वाला है, क्योंकि साइक्लोन एक ऐसी चीज़ है जो कि पहले हमें पता होता है कि कब साइक्लोन आएगा. एंड यू टॉक अबाउट द कंट्रीज़ लाइक अमेरिका. अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अक्सर साइक्लोन्स आते हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं. ड्यूरिंग इवेंट मेजरमेंट्स इज़ योर प्रिपेयरनेस. अगर आप प्रिपेयर हैं, जैसे साइक्लोन आया आपको कहाँ जाना है, आपको रेस्क्यू किया जाता है, तो आपका डैमेज कम होगा. पोस्ट इवेंट मेजर्स, बाद में क्या हो सकता है, अगर आ गया उसके बाद आपको रेस्क्यू किया जाए, अगर बाई चांस आप कहीं फंस गए हैं तो आपको वहाँ से रेस्क्यू किया जाए और आपको कहाँ रिहैबिलिटेट किया जाए. क्योंकि अगर साइक्लोन आया, आपका घर तो उड़ गया, आपका घर टूट गया, तो आप कहाँ रहेंगे जब तक कि उसका इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं होगा. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टाइमली रिहैबिलिटेशन.